राजगढ़ जिले में पुलिस की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। पहले ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची झोंकी, फिर उनके साथ जमकर मारपीट की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा थाने के पुलिस कर्मियों को बामन गांव में ग्रामीणों ने कथित तौर पर आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर जमकर पीटा और दो पुलिस कर्मियों को बंधक भी बना लिया। घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि गांव की एक महिला ने पुलिसकर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। प्रभारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक टेम्पो ट्रैक्स अवैध शराब लेकर जा रही है। इस पर पुलिस दल ने उसका पीछा किया तो वाहन चालक ने टक्कर मार कर एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस टीम वाहन का पीछा करते हुए बामन गांव में गई, जहां गांव में ग्रामीणों ने पुलिस दल को घेर कर उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया और पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ कर उनकी जमकर पिटाई की। रात की बात है, करीबन हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, ये संडावता चौकी प्रभारी हैं थाना छापीहेड़ा में। इनको एक मुखबिर सूचना मिली थी, इसके बेसिस पर इन्होंने एक गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी ने कट मारा जिसमें हमारे एक आरक्षक को चोट भी आई है। और उसके बाद इस गाड़ी को पीछा करते करते हमारी थाना मोबाइल और जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी टीम करीबन 10 लोग उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते ये बामन गाँव तक पहुँचे। बामन गाँव में ये गाड़ी जंगलों में चली गई, तो 4 आदमी ये गाड़ी को खींच और जंगलों में घूमने चले गए। 6 आदमी जो हमारे थे पुलिसकर्मी वो सड़क पर थे। इसी दौरान गांव के लोगों का इनका कहना है कि गांव के लोगों ने आके इनके साथ मारपीट करी, इनकी आंखों में मिर्ची भी झोंकी है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि छापीहेड़ा पुलिस गांव में एक आरोपी को ढूंढने उसके घर पहुंची। उस वक्त घर में उसकी बहन अकेली थी। अकेली बहन को देखकर पुलिस वालों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। एक आरक्षक हमारे पूरी तरह से घायल हुए हैं और उनके हाथ में फ्रैक्चर भी आया है। और यही जो बामन गांव की महिला है उसका कहना है कि 2 पुलिसकर्मियों ने इनमें उसके साथ छेड़छाड़ की, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हमने दोनों तरफ से प्रकरण दर्ज कर लिया है और दोनों प्रकरणों की जांच के लिए SDOP खिलचीपुर को दोनों जांच दी गई हैं और जो जांच में साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में 15 लोगों के खिलाफ IPC और लोक सेवा अधिनियम की संबद्ध धाराओं में मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, राजगढ़।